अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक बजरंग पूनिया ने मंगलवार को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के किसान प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा, बीरेंद्र सिंह, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा, विधायक विनेश फोगाट मौजूद रहे। खास बात ये रही कि इस दौरान न तो पूर्व सीएम हुड्डा मौजूद रहे और न ही सांसद दीपेंद्र हुड्डा। हुड्डा पिता पुत्र ने ही बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को कांग्रेस ज्वाइन कराई थी और विनेश को जुलाना से टिकट भी दिलाया था। पूनिया को बीती 6 सितंबर को किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूनिया ने कहा कि वह किसानों के मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे और किसानों के साथ गलत नहीं होने देंगे। बजरंग पूनिया को बधाई देते हुए सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों, खेत मजदूरों की अनदेखी कर रही है। अगर देश को आगे ले जाना है तो देश के किसान और खेत मजदूरों को भी आगे लाना होगा और उनके हितों की रक्षा करनी होगी। सैलजा ने कहा कि मैट पर और जमीन पर जंग लड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बजरंग पूनिया ने सभी के मान सम्मान की लड़ाई भी लड़ी है, महिलाओं को सम्मान दिलाने में आगे रहे हैं और अब कांग्रेस के साथ जुड़कर किसानों और खेत मजदूरों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इसके बाद बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने क्या कुछ कहा, आप सुन लीजिए। बड़े संगठन के सीनियर लीडर हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि उनके साथ मजबूती से ये लड़ाई लड़ूंगा। जो आज एक हरियाणा या पंजाब में किसान दुखी नहीं है, पूरे देश में किसान आज दुखी है और किसान के लिए वोट तो सब मांगते हैं लेकिन किसान का काम कोई नहीं करता। तो मैं खुद किसान का बेटा हुए, मुझे ये जिम्मेवारी मिली, मैं अपने जो हमारे सीनियर लीडर के साथ मिलके इस जिम्मेवारी को पूरा निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैं कांग्रेस पार्टी में आके अगर विधायक चुनी गई हूँ तो जो हमारा हलका है वो तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन आज भी हमारे ऊपर देश की जिम्मेदारियाँ, पूरा देश हम पे नज़र बनाए हुए है कि क्या हम इस फील्ड में नया करने वाले हैं। लेकिन हम एक विश्वास दिला सकते हैं कि जो लड़ाई हमने रोड के ऊपर लड़ी है, जो लड़ाई हम ओलंपिक्स तक जो जिस लड़ाई को लड़ने के लिए गए थे, वो लड़ाई हर एक उस बहन बेटी की लड़ाई है, हर एक उस महिला की लड़ाई है जो लड़ना जानती है, जो लड़ना चाहती है, उसकी लड़ाई हम लड़ने का काम करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।